इसका खुला खान की 114वीं बस्ती है, सॉरी 114वीं पैदाइश का दिन है। इस पैदाइश के दिन एडुकेट फोरम की जानिब से नीलोफर हॉस्टल में फ्रूट तकसीम किए गए और मुझे भी इनवाइट करने का मौका दिया गया। यकीनन हमारे लिए बड़ी अहमियत की बात है कि अशफाकुल्ला खान ने अपनी 27 साल ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, आज़ादी के लिए उन्होंने इन फिरंगियों से मुसलसल लड़ते रहे। जब उन्हें हाथी के बंदे पर लटकाया गया तो उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे कब्र में अपनी मिट्टी मेरे साथ मेरे कफन के अंदर रखकर मुझे दफन किया जाए। यकीनन ऐसे फ्रीडम फाइटर की वजह से हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ है और आज़ादी के बाद से मुसलसल तरक्की की तरफ कोशिश की जा रही है और हमें बहुत सी उम्मीदें थी। इंशाल्लाह आगे चलकर हमारा देश दुनिया में नंबर वन बनेगा। इसके लिए तमाम देशवासियों से मेरी अपील है कि सबसे पहले अपने बच्चों के हाथ में कलम दें, तालीम दें, तालीम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और गंगा जमुना तहजीब की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। ये दो चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। जब हम हमारे बच्चों को तालीम देंगे तो हमारे मुल्क में नहीं सारी दुनिया में हमारे बच्चे अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इसी तरह जब तक हम मिलजुल कर रहेंगे यहाँ पर जितने काल से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खासतौर से हैदराबाद में यहाँ का कल्चर बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। निज़ाम सरकार ने ज़माने से आज यहाँ आसिफ शाह दौर हो या कुतुब शाह दौर हो वो ज़माने से हमारे पास प्यार और मोहब्बत कायम है। खासतौर से जब बोले कुतुब शाह ने चार मीनार की तामीर की उससे पहले बहुत से लोगों से डिस्कस किया कि कोई ऐसी बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ जिससे हमारा नाम सारे हिंदुस्तान और दुनिया में पहुँचे। जब गौर करने के बाद चार मीनार इसलिए बनाया गया कि ये चार कौमों को एक साथ जोड़ा गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को। इसलिए तेलंगाना राष्ट्र समिति भी सेकुलरिज्म और गंगा जमुना तहजीब की तरफ बहुत तवज्जो दिए उसका। और मैं आज अशफाकुल्ला खान साहब को खराज पेश करता हूँ और हम तमाम लोगों को भी उनके रास्ते पर चलना चाहिए और हमारे देश की सेवा करना चाहिए। वो लोगों ने देश के लिए जान दी मगर हमारे देश की तरक्की हमारे नौजवानों के हाथ में। तमाम नौजवानों के भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि इस देश की तरक्की में हाथ बटाइए और अच्छी से अच्छी मेहनत करके तालीम में ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल किए। इसी तरह नीलोफर दवाखाने में हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब के साथ बहुत दौरा किया हूँ। यकीनन यहाँ काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है मगर इसे हम और अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं 57 साल में इस आंध्राई दौर में एक दवाखाने को भी देखा नहीं गया। वो लोग तमाम कॉर्पोरेट दवाखानों को लाखों करोड़ों रुपए देकर उन दवाखानों को फीस देते हुए लोगों का इलाज करवाया, मगर तेलंगाना स्टेट बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों में सुधार आ रहा है और हमारे जो अदील अजीज चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव साहब वो ये चाहते हैं कि तमाम लोगों को फ्री इलाज किया जाए। आज उन्होंने कल भी यह एम्प्लाइज के लिए जो हेल्थ स्कीम के बारे में जिक्र किया, पहले ज़माने में तमाम के तमाम जो है निजाम स्टेट या तेलंगाना वासियों का 70-80 तक भी इलाज सरकारी दवाखानों में बहुत अच्छा होता था, मगर जब से नई आंध्रा का कलबा बढ़ता गया और पूरे गवर्नमेंट दवाखाने बढ़ते गए तो सरकारी दवाखानों को बिल्कुल मफलूज बना दिया गया। मगर अब तेलंगाना बनने के बाद लोगों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं कि आवाम भी यही चाहती है कि हमारा हक है हमारे दवाखाने में हमारा इलाज होना चाहिए। मगर सुप्रेंट साहब मेरे साथ काफ़ी मरीजों से भी बातचीत की है, लोगों में काफ़ी हैप्पी है, लोग खुशी से बता रहे हैं कि हमारा इलाज अच्छा हो रहा है। मुझे उम्मीद है इसी तरह इलाज होगा और आइंदा भी हुकूमत से जो भी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर हुकूमत में मदद की जाएगी और मुकम्मल तरीके से ऐसे एक नहीं कई दवाखाने बनाए जाएंगे बच्चों के लिए और उसी तरह दूसरे दवाखानों को भी डेवलप किया जाएगा। अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी और हम इसमें कामयाब भी होंगे और बहुत जल्द सरकारी दवाखानों को बहुत मदद दी जाएगी और अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा। इमरजेंसी पानी बाहर से लेके लोगों को मैं कमीशन ऑफ DHMC कमिश्नर सुमेश्वर राव साहब से फ़ोन पर अभी बात किया हूँ। यकीनन हमारी हुकूमत का फर्ज बनता है कि जहाँ भी जो तकलीफों से दूर किया जाए डेफिनेट जो भी तकलीफें भी सुप्रेंट साहब भी बताए और उन्होंने भी कोशिश कर रहे हैं। मैं कमिश्नर साहब से बात किया हूँ, इंशाल्लाह परसों का अपॉइंटमेंट दिए उनसे मैं खुद आज मिलने वाला हूँ। यहाँ पर भिजा कर बल्दिया के हमले को जो इमरजेंसी सर्विस है वो ज़रूर प्रोवाइड किया।